जापानी मुआशरे में अक्सर जब पुलिस का नाम आता है तो लोगों की अच्छी यादें वाबस्ता नहीं होती, लेकिन ये रब ताला की बनाई हुई कायनात है जहां पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, जहां जोहर में भी गुले लाला खिले नजर आते हैं, जिनकी जिंदगी फर्ज, शनासी और इंसानियत से मोहब्बत का दूसरा नाम है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं DIG पंजाब पुलिस महबूब असलम की कहानी। DIG पंजाब पुलिस महबूब असलम, जो कैलरी ग्राउंड लाहौर कैंट में कैनाल की पांच कोठियां किराए पर लेकर चंद दोस्तों के ताउन से 100 से जायद यतीम बच्चों को पाल रहे हैं। तमाम कमरों में AC भी लगे हुए हैं। बच्चों का रहन सहन, कपड़े और खुराक काबिले रश्क हैं। महबूब साहब और उनकी फैमिली उनके साथ ही खाना खाती है, इन बच्चों के साथ रहते हैं और बच्चों की हिफाजत के लिए एक स्टाफ भी मौजूद है। इन बच्चों की खातिर वो लाहौर से बाहर कोई भी अच्छी पोस्टिंग लेने पर तैयार नहीं होते। तमाम बच्चों को हॉकी एकेडमी में दाखिला भी दिलवा रखा है। स्कूल में बच्चे अपना तारुफ ऐसे करवाते हैं कि हमारे वाले DIG पुलिस हैं। इन बच्चों में चंद बच्चे ऐसे भी हैं जो कि सिंध सैलाब में अपने प्यारों से बिछड़ गए थे। महबूब असलम जैसे सोनी धरती के काबिले फख्र सपूत हमारे मुआशरे का कीमती असासा हैं। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी और महबूब असलम साहब के लिए आपका क्या पैगाम है, हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। आपसे मुलाकात होती है एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगेबान।